खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर खरगोन से जुलवानिया के बीच कई ऐसे घुमावदार अंधे मोड़ हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं और तेज रफ्तार से चलते वाहनों के कारण यहां कई मौतें भी हो चुकी हैं। पर जिम्मेदार अभी मौन है। रविवार के दिन शाम के समय अपने परिजनों के साथ जा रही एक 11 वर्षीय बालिका को तेज गति से अंधे मोड़ से आ रही ट्राले ने टक्कर मार दी, जिससे मौत हो गई। इसके पहले भी एक युवक बरोड़ नदी पुलिया पर अंधे मोड़ में तेज गति पर आने से फिसलने से नदी में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ऐसे कई मामले बाइक दुर्घटना से लेकर भी आए दिन होते रहते हैं। अभी लॉकडाउन है, यातायात का दबाव कम है, फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग स्टेट हाईवे 26 नंबर पर एक सर्वे के मुताबिक लगभग 8000 से ज़्यादा वाहनों का दबाव है। बुरा नदी तट पर स्थित हटेले रंजीत हनुमान मंदिर के संत श्री सीताराम बाबा ने संकीर्ण पुलियाओं के साथ ही बुरा नदी के तट पर अधूरे पड़े पुलिया निर्माण को जल्द पूर्ण कराने के साथ ही आए दिन तेज गति से चल रहे वाहनों पर रोक लगाने की मांग कर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि संकीर्ण पुलिया और अंधे मोड़ के कारण दिनों दिन बढ़ती जा रही घटनाओं को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश है। जिम्मेदार अभी तक आगे नहीं आए। तेज गति से चल रहे वाहनों के कारण हो रही दुर्घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर जल्द ही प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो मजबूरन आंदोलन हेतु विवश होना पड़ेगा। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, साथ ही अंधा मोड़ होने के कारण कल एक बालिका ने दम तोड़ दिया और बारिश में बड़ी परेशानी का सबब रहती है। यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश का पानी आया कि ये पुलिया डूब जाती है, जिसके कारण इधर बड़वानी का संपर्क टूट जाता है, इधर खरगोन का संपर्क टूट जाता है। तो प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जल्दी जल्दी इस पुलिया का निर्माण प्रारंभ कराया जाए। क्या नाम लिखते हैं आप? किशोर यादव। सीताराम, यहाँ जो बोरा नदी पर पुलिया है वह क्षत हालत में है, सामने अंधा मोड़ है, वह एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन और तेज गति से वाहन चलाते हैं लोग, उन पर शासन भी कार्रवाई नहीं करती, न उन्हें रोकती है। और वह पिछले अभी कल 11 वर्षीय बालिका का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, पिछले बरस भी हो गई थी और कई लोग घायल होते रहते हैं। अतः ये अंधे मोड़ को शीघ्र ठीक किया जाए एवं पुलिया का कार्य पुल का जो रोका है शासन ने इसको तुरंत पूर्ण किया जाए, यही अनुरोध है। सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।